सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं जरा। प्रधानमंत्री जी अपनी उन विभूतियों को जो समाज और राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं, याद करिए प्रधानमंत्री जी ने अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में 22 जनवरी को एक बात कही थी कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो हम अयोध्या में कर रहे हैं, लेकिन ये यात्रा यहां थमनी नहीं है। अब राष्ट्र की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का कार्यक्रम देव से देश की यात्रा और राम से राष्ट्र की यात्रा का शुभारंभ होता है। अपनी विभूतियों को सम्मानित करना यही राष्ट्र की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। अपने देश की पुनर्प्रतिष्ठा और गौरव को स्थापित करना यह सम्मान का कार्यक्रम उसी का हिस्सा है और इसको प्रोत्साहित करने के लिए पिछले 10 वर्षों के अंदर जो कार्यक्रम चले हैं, इसमें खेलो इंडिया खेलों से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, प्रदेश में देश के अंदर सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, उत्तर प्रदेश में खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स, ये सभी आयोजन पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुए और खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना हर जनपद में हो रही है। और भाइयों बहनों, अब हम लोग भारत सरकार हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर के लिए घोषणा कर चुकी है, कार्रवाई को क्रियान्वित कर रही है। आज हमने अपने वित्त मंत्री को भी इसीलिए बुलाया है कि इस बार के बजट में आप भी कुछ घोषणा करिए कि भाई हम लोग भी उत्तर प्रदेश खेलो सेंटर हर ब्लॉक स्तर पर स्थापित करेंगे। इसकी एक राशि खेल विभाग के साथ तय करते हुए माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का मार्गदर्शन लेते हुए ब्लॉक स्तर पर स्थापित हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार ने पहले से तय किया है ये खेलो ब्लॉक सेंटर, यूपी के जो खेलो यूपी ब्लॉक सेंटर जो स्थापित होंगे इसमें कोचेज की कोचेज भी वहां पे तैनात हो। ये जितने खिलाड़ी जो खेल के बाद अपना कुछ समय निकाल सकते हैं एक निश्चित मानदेय पर, उनको वहां पर तैनाती दीजिए, सरकार उनको मानदेय देगी। ब्लॉक स्तर पर अगर हमारे कोचेज होंगे तो हमारे खिलाड़ी और भी अच्छा निखारने का काम कर पाएंगे और हम बेहतरीन प्रदर्शन देश और दुनिया के अंदर करने में अपने खिलाड़ी दे पाएंगे। इस दिशा में खेल विभाग अपनी पूरी कार्य योजना को ले इस बजट में इसका प्रावधान करें। सरकार ने पहले से संकल्प लिया है कि हम हर जनपद में स्टेडियम बनाएंगे, हर ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाएंगे, हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान और ओपन जिम का निर्माण करेंगे। ये प्रक्रिया तो चली रही है, युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ खेल और खिलाड़ियों के लिए भी प्रोत्साहन की राशि में वृद्धि हो। उत्तर प्रदेश देश का उन राज्यों में से अग्रणी राज्यों में से एक है जिसने अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार में नियुक्ति पत्र देकर के नौकरी प्रदान कर दी है। इसमें डिप्टी एसपी के पद से लेकर के और पुलिस में भर्ती तक हर एक स्तर पर उन्हें स्थान प्रदान किया जा रहा है। आज मेरे सामने बात सामने आई है कि जो पैरा खिलाड़ी हैं इनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए जो मेडल प्राप्त कर रहे हैं, और मैं आज इसके बारे में शासन से कहूंगा कि वास्तव में इन खिलाड़ियों के लिए भी नौकरियों में कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे ये मेडल प्राप्त करने वाले इन खिलाड़ियों को भी हम प्लेसमेंट कर सकें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उनके प्रोत्साहन के लिए बहुत सारी चीजें दी और मुझे लगता है कि उसके लिए एक स्थायी व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए। एक अवसर है हमारे सामने, ये हमारी विभूतियां हैं, इन्होंने अपने सामर्थ्य से अपने परिश्रम से अपने पुरुषार्थ से प्रदेश का देश का गौरव बढ़ाया है। याद करिए जब एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली बालिका इस बात को कहती है कि मैं गोल्ड मेडल इसलिए जीती हूं क्योंकि हमारे राज्य में मुझे डिप्टी एसपी का पद प्राप्त होगा, तो मैंने उसी दिन तय किया, मैंने कहा पॉलिसी तय करो और जिस दिन सम्मान समारोह होगा उस दिन उस बालिका को
डिप्टी एसपी के पद की नियुक्ति पत्र जरूर दो। और मुझे प्रसन्नता है कि पारुल चौधरी के कारण ही आज यहां पर 4 डिप्टी एसपी के भी हम नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। ललित उपाध्याय पहले प्राप्त कर चुके थे और साथ साथ खेल विभाग ने भी और परिवहन विभाग ने भी ये नियुक्ति पत्र आज अपने जारी किए हैं। यानी ये चीजें दिखती हैं कि बहुत अब आपके लिए अवसर है। और इसीलिए प्रदेश के सभी 75 जनपदों से हमने कुछ न कुछ खिलाड़ियों को यहां बुलाया है, इसलिए बुलाया है इस कार्यक्रम को। आप भी अपने साथ के खिलाड़ियों को बताइए, अच्छा करेंगे, परिणाम अच्छा लाएंगे, अनुशासित तरीके से रिजल्ट लेकर के आएंगे तो सरकार पलक पावड़े बिछा करके केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार इसी प्रकार से आपका सम्मान करेगी, आपके जीवन का ध्यान रखेगी, आपको हर प्रकार का सपोर्ट करेगी। और इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। आज सरकार ने ढेर सारी इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं। आपने देखा होगा राज्य सरकार ने केवल संसाधन ही नहीं बढ़ाए हैं, प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई है, नौकरियां भी दे रही हैं, अन्य प्रकार की सुविधाओं से युक्त भी कर रही है। और राज्य सरकार इस दिशा में और भी अच्छे प्रयास करेगी। केवल हम सबको इसके लिए अपने आप को तैयार करना है। आज का यह अवसर है जब हम लोग यहां पर अपनी इन विभूतियों को सम्मानित कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी लोग प्रदेश के सभी 75 जनपदों से आज यहां पर आए हैं। और इस अवसर पर अब मैं प्रदेश के इन खिलाड़ियों से कहूंगा, अपने नियमित प्रशिक्षण के अलावा जो हमारे स्पोर्ट्स, मैं खेल विभाग से भी कहूंगा कि स्पोर्ट्स कॉलेजेज, स्पोर्ट्स हॉस्टल हमारे हैं या जनपद स्तर पर जो कार्यक्रम है, एशियन गेम्स में जिन लोगों ने मेडल प्राप्त किए हैं, इनको प्रदेश के लिए अंदर अंदर अलग अलग जनपदों में स्पोर्ट्स हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉलेजेज का दौरा इनको जरूर करवाएं। ये लोग अपना अनुभव वहां शेयर करें और उनके अनुभव का लाभ वहां पर हमारे नवोदित खिलाड़ी भी प्राप्त कर सकेंगे, इसकी व्यवस्था खेल विभाग अवश्य करे। और मैं इन सभी खिलाड़ियों से भी इस बारे में कहूंगा कि ये लोग अपने अनुभव और अपनी तैयारी के बारे में नवोदित खिलाड़ियों को अगर अवगत कराएंगे तो उनको उससे बड़ी प्रेरणा प्राप्त होगी। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपके हितों का संवर्धन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।